नमस्कार, ड्राइंग की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को दक्षिणी शैली के बारे में बताया था। दक्षिणी शैली जिसकी तीन प्रमुख शैलियाँ अहमदनगर शैली, बीजापुर शैली और गोलकुंडा शैली। अब अपन बात करते हैं अध्याय नंबर दो। अध्याय नंबर दो मुगल शैली। मुगल शैली 16वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक, ये इसका समय है मुगल शैली का। 16वीं सदी से लेकर के 18वीं सदी तक ये मुगल शैली भारत में प्रचलित रही। मुगल शासकों के संरक्षण में, मुगल शासक जिनमें सबसे पहले बाबर भारत में आया, बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, जहांगीर के बाद में शाहजहां, शाहजहां के बाद में औरंगजेब। औरंगजेब के समय तक ये मुगल शैली भारत में प्रचलित रही। बाबर के समय में बड़ी कम संख्या में चित्र रचनाएं की गई। फिर बाद में हुमायूं के समय भी इतनी ज़्यादा चित्र रचनाएं ना हो सकी, लेकिन अकबर के समय में बड़ी संख्या में चित्र रचनाएं की गई। अकबर के बाद जहांगीर का जो समय है वो मुगल शैली का सबसे श्रेष्ठ समय माना जाता है। इस समय बहुत बड़ी संख्या में चित्र रचना भारत के अंतर्गत की गई थी। फिर बाद में शाहजहां के समय चित्र रचनाएं सीमित हो गई थी, कम हो गई। क्यों? क्योंकि शाहजहां की रुचि वास्तुकला में अधिक थी, अतः इस समय वास्तु यानी कि भवन निर्माण का कार्य अधिक हुआ। इस समय भवनों का निर्माण बड़ी संख्या में किया गया था। फिर बाद में शासन काल आया औरंगजेब। औरंगजेब का जो शासनकाल है वो मुगल शैली का पतन माना जाता है। क्यों? क्योंकि औरंगजेब जो था वो एक धार्मिक कट्टर शासक था जिसने केवल अपने धर्म संप्रदाय को बढ़ावा प्रदान करने के लिए अनेकों प्रकार के अत्याचार किए। कला से वह नफरत करता था और उसने अपने पूर्वजों द्वारा बनवाई गई कलाकृतियों को भी नष्ट करवा दिया था। कलाकारों को अपने राज्य से भागने के लिए मजबूर कर दिया। इस प्रकार मुगल शासक औरंगजेब के शासनकाल में मुगल शैली का पतन हो गया। अब बात करते हैं अपन किताब में। किताब में शुरुआत में जो एक बड़ा पैराग्राफ आप लोगों का दिया हुआ है जिसमें शुरुआत में जो दे रखा है उसमें आप लोग ध्यान से देखेंगे वो किताब जिसमें मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। मुगल शैली के आने से पहले भारत में जैन शैली, अपभ्रंश शैली, पाल शैली, दक्षिणी शैली, ये शैलियाँ विकसित थी। अब कोई भी शैली अचानक अपना उच्च स्तर प्राप्त नहीं करती,
कहीं ना कहीं किसी एक शैली पर पहले से किसी दूसरी शैली का प्रभाव होता है, फिर धीरे धीरे वो निजस्व को प्राप्त करती है और निजस्व को प्राप्त करने के बाद फिर धीरे धीरे वो पतन को प्राप्त होती है। एक समय वह उच्च स्तर पर होती है और फिर धीरे धीरे वह पतन को प्राप्त करती है। तो भारत में दक्षिणी शैली का अंत हो गया था। 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते जैसे 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध कहते हैं सदी का शुरुआती समय, और पूर्वार्ध कहते हैं सदी का अंत होने वाला समय, यानी कि जिस समय सदी समाप्त हो रही होती है। जैसे सदी, एक सदी के अंतर्गत 100 वर्ष होते हैं, जब 100 वर्ष बदलते हैं, 100 वर्ष बीतते हैं तो एक सदी पूरी होती है। तो एक से लेकर के शुरू के 50 वर्ष तक का जो समय है वो उत्तरार्ध के अंतर्गत आता है, और 50 से 100 तक का जो समय है वो पूर्वार्ध के अंतर्गत आता है। तो उत्तरार्ध और पूर्वार्ध, जिस समय 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध चल रहा था, तो 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक आते आते भारतीय चित्रकला में महत्वपूर्ण परिवर्तन दिखाई देने लगता है। एक विशेष परिवर्तन हुआ था। जैन शैली में व्यापक परिवर्तन आ गया था। जैन शैली में परिवर्तन हुआ था, बदलाव आया था। बृहदमाला चित्र के नवीन स्वरूप प्रचलन में आ गए थे। कुछ चित्र ऐसे थे जो बड़ी संख्या में चलन में हो गए, जिनमें प्रयुक्त आकार, विषय व कलागत विशेषता नवीन परिवर्तन के स्पष्ट संकेत रहे। कला में जो परिवर्तन हुआ था उनके जो संकेत थे, उनकी जो पहचानें थी वो स्पष्ट दिखाई देती थी। इस समय में चित्रित नियामत नाम ये जैन शैली के सचित्र ग्रंथ हैं, जो 11वीं कक्षा के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बताया था, जैन शैली के 5 सचित्र ग्रंथ। तो उनमें से एक है नियामत नामा। आरण्य पर्व, आगरा, लौर चंदा, महापुराण, चौर पंचासी का पालम, इस परिवर्तन के प्रत्यक्ष उदाहरण है। ये जो काव्य ग्रंथ हैं, इन काव्य ग्रंथों के अंतर्गत जो चित्र बने वो उस परिवर्तन के साक्ष्य हैं, साक्षी हैं कि शैली में किस प्रकार परिवर्तन हुआ, बदलाव आया। 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में कला में नव चेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, नई चेतना की पदचाप। जैसे 16वीं शताब्दी प्रारंभ हुई तो कला अपना एक नवीन रूप लेने के लिए अग्रसर हो रही थी, आगे बढ़ रही थी। जहां नव चेतना की पदचाप अनुभव की जा रही थी, वहीं रियासतों के आपसी टकराव से विशेष आक्रांताओं को यहां अपने पैर पसारने के लिए परिस्थितियां उत्पन्न हो गई, उनके लिए अनुकूल परिस्थितियां मिल गई। यानी ये जिस समय मुगल शासकों के आगमन से पहले भारत में एक अंतःकलह का वातावरण बना हुआ था, राजा आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे, भारतीय जो शासक थे वो आपस में लड़ाइयां लड़ रहे थे। जब आपस में लड़ाई होती है तो बाहर के लोग उसका फायदा उठाते हैं,
वही कार्य यहाँ। जब हमारे भारतीय राजा आपस में एक दूसरे पर लड़ाइयां लड़ रहे थे, अपने अपने राज्य का विस्तार करने में लगे हुए थे, तो उस समय कुछ बाहरी शक्तियों के लिए यहाँ आक्रमण करने के लिए, यहाँ पर अपना राज्य स्थापित करने के लिए, भारतीय राजाओं पर विजय प्राप्त करने के लिए एक अनुकूल वातावरण मिल गया। उस आपसी टकराव का लोग फायदा उठाने के लिए अग्रसर होने लगे, भारत की ओर बढ़ने लगे। तो कुछ बाहरी आक्रांताओं ने, बाहरी शक्तियों ने भारत की ओर रुख करना प्रारंभ कर दिया, जिनमें से थे एक मुगल, मुगल शासक। भारत में मुगलों का प्रवेश सन 1526 ईस्वी में जब हुआ, जब बाबर ने पानीपत के युद्ध में विजय प्राप्त कर दिल्ली का शासक बना। बाबर सबसे पहले भारत में कौन सा मुगल शासक आया? बाबर आया। कब? सन 1526 ईस्वी में। बाबर सन 1526 ईस्वी में भारत आया और उसने पानीपत के युद्ध में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को परास्त कर सर्वप्रथम भारत में मुगल वंश की नींव रखी। बाबर का जो पैतृक संबंध था वो तैमूर से था, जिसकी पांचवी पीढ़ी में तथा मंगोल योद्धा चंगेज खान मातृपक्ष, यानी कि उनकी जो माता थी वो चंगेज खान की परिवार से रहती थी। बाबर का पैतृक संबंध तैमूर से और उसकी माता माही के चंगेज वंशीय मंगोल जाति से थी, अतः इस वंश का नाम मंगोल वंश रखा गया। इस मंगोल जाति के आधार पर ही मुगल वंश का नाम मुगल वंश पड़ा, इसलिए इन्हें मुगल कहा गया। मुगल सहिंसा प्रारंभ से ही कला प्रेमी थी, पहले से ही इनमें कला के प्रति रुचि थी, चित्रकला में रुचि रखते थे, अतः इन्होंने बड़ी संख्या में चित्र रचनाएं करवाई थी। बाबर के बाद में उसका पुत्र हुआ हुमायूं, हुमायूं के बाद में उसका पुत्र हुआ अकबर, अकबर के बाद में उसका पुत्र हुआ जहांगीर, जहांगीर के बाद में उसका पुत्र हुआ शाहजहां, शाहजहां के बाद में उनका पुत्र हुआ औरंगजेब, और औरंगजेब के बाद में भारत में से मुगल सत्ता समाप्त हो गई, मुगल शासक साम्राज्य समाप्त हो गया। मुगल शैली प्रारंभ से ही पूर्णतः ईरानी कला थी। शुरुआत में सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई एक शैली यकायक एक विशाल रूप धारण नहीं करती, कहीं ना कहीं उस शैली पर पहले से किसी एक शैली का प्रभाव होता है। तो मुगल शैली पर सबसे पहले ईरानी फारसी शैली का प्रभाव है। ईरानी फारसी शैली का प्रभाव, फिर बाद में धीरे धीरे इस शैली पर अजंता भारतीय इन कला शैलियों का प्रभाव हुआ, और बाद में जहांगीर के समय में यह शैली पूर्णतः भारतीय शैली के रूप में विकसित हुई। तो मुगल शैली प्रारंभ से ही ईरानी कला परंपरा से प्रभावित रही। भारतीय संदर्भ में
बाद में अकबर के समय में इस शैली पर राजस्थानी शैली का प्रभाव पड़ा, अपभ्रंश व दक्षिणी शैली का प्रभाव पड़ा और इस शैली में एक नवीनता आई और यह मौलिकता प्राप्त करने लगी, अपनी पहचान बनाने लगी। कहा जा सकता है कि ईरानी व राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। ईरानी और राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। मुगल शैली और राजस्थानी शैली ये दोनों शैलियां एक दूसरे की समकालीन थी। इधर राजस्थान में राजपूत राजाओं का शासन चल रहा था तो इधर मुगलों का शासन चल रहा था। जैसे कि ये 16वीं सदी 17वीं सदी 18वीं सदी इसी बीच मुगल शैली और इसी समय के अंतर्गत राजस्थानी शैली ये दोनों शैलियां एक दूसरे के समकक्ष थे। तो इन राजाओं के मुगल शैली के अंतर्गत जो राजा हुए, राजस्थानी शैली के अंतर्गत जो शासक हुए, इन सबके जन्म मृत्यु शासन काल आपस में मेल खाते हैं तो वहां पर अपन को किसी प्रकार की भ्रांति में नहीं रहना। जैसे अपन सोच रहे हैं कि इस सब के अंतर्गत तो बाबर था या अकबर था जहांगीर था, तब या मैं राजस्थानी शैली को शासक कहां पे आ गया, तो ये दोनों एक साथ शासन काल के अंतर्गत मौजूद थे। एक ही शासन काल के अंतर्गत ये दोनों शैलियां विकसित थी। राजस्थान के अंतर्गत राजपूत राजाओं के संरक्षण में ये राजस्थानी शैली विकसित हो रही थी, तो भारत के अन्य क्षेत्रों में, भारत के उत्तरी पूर्वी और पंजाब हरियाणा राजस्थान, राजस्थान का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश और कुछ मध्य प्रदेश का भाग, तो ये वाले एरिया थे ये मुगल शासक के अंतर्गत आ गए। तो इधर ये मुगल शैली विकसित हो गई। तो ऐसे ईरान में राजस्थानी शैली मुगल शैली की जन्मदाता है। जहांगीर के समय यह पूर्णतः भारतीय हो गई। जहांगीर के समय में यानी कि बाबर के समय में इस शैली पर ईरानी और फारसी शैली का प्रभाव रहा। हुमायूं के समय में ये प्रभाव रहा था, फिर हुमायूं के बाद में अकबर हुआ, अकबर के समय में भी ईरानी फारसी शैली का प्रभाव यहाँ पर रहा, पर धीरे धीरे यहाँ पर अजंता और राजस्थानी शैली का प्रभाव धीरे धीरे पड़ने लगा था। अकबर के बाद में जहांगीर हुआ, जहांगीर के समय में ये मुगल शैली पूर्णतः भारतीय विशेषताओं से को आपस में अपने अंदर समाहित किए हुए थे। यानी कि ईरानी और फारसी शैली का जो प्रभाव था वो यहाँ पर बिल्कुल समाप्त हो गया था और ये मुगल शैली पूर्णतः भारतीय शैली के रूप में मुखरित हुई। यहाँ पर केवल भारतीय कला शैली के अंतर्गत चित्र रचनाएं की जा रही है। ईरानी फारसी शैली का प्रभाव समाप्त हो गया था जहांगीर के समय, परंतु शाहजहां के समय इस पर यूरोपियन प्रभाव अधिक हो गया था। आप लोग साथ साथ किताब में देखते हुए चलेंगे, जहां से मैं पढ़ रहा हूँ उस हिसाब से आप लोग देखते हुए चलेंगे कि वे किताबें कहाँ चल रही हैं और किस तरीके से कहाँ से आप लोगों को बताया जा रहा है। तो कुछ सन है या कुछ शासक हैं, इसके बाद में कौन आया, सबसे पहले कौन आया, तो उनको आप लोग साथ साथ अंडरलाइन करते चले पढ़ाते समय, जैसे जैसे मैं आप लोगों को बता रहा। तो यहां पर शाहजहां के समय इस पर यूरोपीय प्रभाव अधिक हो गया। अब जहांगीर के बाद में शासन पर आया शाहजहां, शाहजहां के समय इस मुगल शैली पर यूरोपीय कला शैली का प्रभाव देखा गया। भारतीय शैली का प्रभाव कम होने लगा और यूरोपीय कला शैली का प्रभाव
कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल सैनिक का जन्म बाबर के आगमन से माना जाता है। श्री राय कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल सैनिक का जो प्रारंभ है वो बाबर के समय से माना जाता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले बाबर भारत में आया था सन 1526 ईस्वी में, और बाबर अपने साथ ईरान से दो चित्रकारों को लेकर के आया था, जिनमें एक तो था बीजार और दूसरा था शाह मुजफ्फर, जिनको बाबर के शासनकाल के अंतर्गत पूरी डिटेल के साथ में मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये दोनों जो चित्रकार थे जिन्हें बाबर अपने साथ में भारत लेकर के आया था, ये दोनों चित्रकार ईरानी फारसी शैली के चित्रकार थे, और ईरानी फारसी शैली के चित्रकार थे तो स्वाभाविक है ये दोनों शासक अपनी शैली के अंतर्गत यहाँ पर चित्र रचना करने लगे। अब मान करके चलिए हम लोग हैं, यदि हम लोगों को हम यहाँ से कहीं दूसरे देश के अंतर्गत चले जाएं या किसी दूसरे राज्य के अंतर्गत चले जाएं तो वहाँ की भाषा शैली अलग होती है। मान करके चलिए अपन गुजरात साइड में चले जाते हैं तो वहाँ की भाषा शैली अलग है, तो हमारे यहाँ की भाषा शैली अलग है। हम वहाँ पर पहुँच गए तो वहाँ की भाषा शैली को हमें समझने में जानने में थोड़ा समय लगेगा, फिर धीरे धीरे हम वहाँ की भाषा को समझ पाएंगे सीख पाएंगे, फिर धीरे धीरे एक समय ऐसा हो जाएगा कि हम वहाँ की भाषा शैली के रहन सहन के खान पान के तौर तरीकों को पूरी तरीके से जान लेंगे और उन सबका पूरा प्रभाव हमारे ऊपर हो जाएगा और एक पूर्ण तरीके से अपन गुजराती हो जाएंगे। तो एकदम से किसी दूसरी शैली का किसी दूसरे स्थान पर हम वहाँ के और रीति रिवाज और तरीकों कला तकनीक इन सब चीज़ों को एकदम से नहीं जान पाते। तो स्वाभाविक है वो दोनों चित्रकार जो ईरान से आए थे तो ईरानी शैली में ही चित्र रचना कर रहे थे, भारतीय कला शैली का उन पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं था। यही कारण था कि शुरुआती समय के अंतर्गत मुगल शैली पर ईरानी शैली का प्रभाव रहा। बाद में धीरे 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 जैसे ये शैली आगे बढ़ती गई वैसे वैसे इस शैली पर भारतीय कला शैली का प्रभाव पड़ा और ये शैली पूर्णतः भारतीय हो गई। अब हम बात करते हैं आगे देखें, राय कृष्णदास के मतानुसार भारत में मुगल शैली का जन्म बाबर के शासनकाल से माना जाता है। वही बात है क्योंकि ईरानी फारसी शैली के चित्रकार थे, सबसे पहले बाबर भारत में आया था, बाबर के समय ये शैली भारत में विकसित हुई और दो चित्रकारों को लेकर के आया था, ईरानी फारसी शैली के चित्रकार थे शाह मुजफ्फर और बीजार, तो इस शैली पर ईरानी फारसी शैली का प्रभाव रहा। धीरे धीरे बाद में फिर इसमें परिवर्तन हुआ और बदलाव हुआ और बाद में शाहजहां तक यह मुगल शासकों के शासनकाल में उसका निरंतर विकास होता रहा। इस शैली का धीरे धीरे लगातार विकास होता रहा। बाबर हुआ, बाबर के बाद में हुमायूं हुआ, हुमायूं ने चित्र रचनाएं करवाई, फिर अकबर हुआ, अकबर ने चित्र रचनाएं करवाई, जहांगीर हुआ, जहांगीर ने चित्र रचनाएं करवाई, फिर शाहजहां हुआ, शाहजहां ने भी कुछ चित्र रचनाएं करवाई। तो ऐसे धीरे धीरे इस शैली का विकास होता चला गया, बढ़ावा मिलता चला गया, ये शैली और बड़ी तादाद में विकसित होने लगी, उच्च स्तर को प्राप्त हो गई। मुगल शैली का जो चरमोत्कर्ष है, सबसे अच्छा समय है, सबसे श्रेष्ठ समय है, वो जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। जहांगीर के शासनकाल, जहांगीर के समय में ये शैली अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसे अंडरलाइन कर लेंगे, लिख लेंगे। शाहजहां के पश्चात औरंगजेब ने शासन संभाला और उसने जैसे शासन संभाला तो कला पर एक उठाना था, वो कला से नफरत करता था,
उसने कला को धर्म निषिद्ध घोषित कर दिया, कहा कि मुगल दरबार में, मेरे राज्य के अंतर्गत मुगल दरबार में कला के लिए कोई स्थान नहीं। परिणाम यह हुआ कि मुगल साम्राज्य के अंतर्गत जो कलाकार थे उनको किन्हीं अन्यत्र राज्य आश्रम के लिए भटकना पड़ा। कुछ चित्रकारों ने तो काम छोड़ करके, चित्र रचना छोड़ करके कोई और कार्य करना प्रारंभ कर दिया, तो कुछ चित्रकार किन्हीं दूसरे राजाओं के संरक्षण में चले गए। वह एक कट्टर शासक था, उसने कलाकारों को चित्र रचना छोड़ने के लिए बाध्य कर दिया। कलाकार जान बचा करके दूसरे रियासतों में शरण लेने लगे या फिर अन्य कार्य करने लगे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका चलाने के लिए। यहीं से मुगल कला का पतन प्रारंभ हो गया, मुगल सैनिक का पतन हो गया, यानी कि औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सैनिक का पतन ऐसा हुआ कि दोबारा ये सैनिक विकसित ही नहीं और समाप्त हो गए। दरबारी कला होने के कारण मुगल सैनिक प्रत्येक बादशाह के शासनकाल में अपनी रुचि के अनुसार परिवर्तित हो गए, बदलाव आया। इसलिए मुगल कला को प्रत्येक मुगल बादशाह के काल क्रमानुसार समझना औचित्यपूर्ण रहेगा। यानी कि मुगल कला जो थी वो दरबारी कला थी, इस समय ज्यादा से ज्यादा जो चित्र रचनाएं की गई वो दरबारी दृश्यों से संबंधित थी। अतः प्रत्येक बादशाह के समय इस कला में परिवर्तन हुआ, बदलाव आया। ये कला निरंतर बदलती रही, बदलाव करती रही। इसलिए इस मुगल शैली को जानने और समझने के लिए हमें प्रत्येक मुगल शासक के शासनकाल के अनुसार पढ़ना है, उनके काल क्रमानुसार समझना है। यही औचित्यपूर्ण है, या आपकी किताब में यह दिया होगा। तो अब यहां से आप लोगों के आगे एक एक मुगल शासक का चैप्टर दिया होगा, पैराग्राफ दिए हुए हैं। एक एक मुगल शासक के पहले बाबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद में हुमायूं दिया हुआ है, हुमायूं के बाद में जहांगीर दिया हुआ है, अकबर दिया हुआ है, अकबर के बाद में जहांगीर दिया हुआ है, जहांगीर के बाद में शाहजहां दिया हुआ है, फिर औरंगजेब दिया हुआ है। तो उनके समय में कौन कौन से चित्रकार थे, कैसी चित्र रचनाएं हुई, चित्रों की विशेषताएं क्या रही, किस प्रकार के रंग प्रयोग में लिए गए, वो सारी बातें और उनके जीवन मृत्यु से संबंधित जो बातें हैं वो यहाँ पर बताई जाएंगी। अभी मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया है, ये एक पूरा बड़ा पैराग्राफ जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है शुरुआत वाला, इसके अंतर्गत आप लोगों के कुछ छोटे छोटे प्रश्न जो बनते हैं उन पर आपको अंडरलाइन कर लेंगे। जैसे भारत में सबसे पहले कौन सा मुगल शासक आया, उसमें 1526 ईस्वी में बाबर दिया हुआ है, फिर उसके बाद में बाबर का पैतृक संबंध किसके साथ में था, तैमूर के साथ में था, उसकी माता माही के चंगेज वंशीय, चंगेज वंशीय मंगोल जाति से थी, और मुगल शैली पर शुरुआत प्रारंभ में मुगल शैली पर कौन कौन सी कला शैलियों का प्रभाव रहा, तो ईरानी फारसी शैली का प्रभाव रहा, किसके समय में यह कला पूर्णतः भारतीय हो गई, तो उसमें जहांगीर के समय में मुगल शैली पूर्णतः भारतीय शैली से ओतप्रोत हो गई थी, परिपूर्ण हो गई थी। आगे दिया हुआ है शाहजहां के समय में मुगल शैली पर कौन सी कला शैली का प्रभाव रहा, तो यूरोपियन कला शैली का प्रभाव पड़ गया था। इस समय राय कृष्ण दास के मतानुसार मुगल शैली का प्रारंभ किसके समय से माना जाता है या किसके आगमन से माना जाता है, तो उसमें बाबर के आगमन से माना जाता है भारत में मुगल शैली का जन्म।
मुगल सैनिक का चरमोत्कर्ष किसके शासनकाल को माना जाता है, तो उसमें जहांगीर के शासनकाल को माना जाता है। किसके शासनकाल के अंतर्गत मुगल सैनिक का पतन हो गया था, तो उसमें औरंगजेब के शासनकाल में मुगल सैनिक का पतन हो गया था। ये छोटे छोटे कुछ प्रश्न आप लोगों के यहाँ पर बनते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। इससे आगे वाला बाबर का जो पैराग्राफ है वो मैं आप लोगों को अगले पैराग्राफ में बताता हूँ। तब तक के लिए